के मुताबिक इजलास लाहौर में मरियम नवाज के घर होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला भी मुतवक्के है। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट पर भी मुशावरत की जाएगी। मेयर इस्लामाबाद का ताज किसके सर सजेगा? पोलिंग जारी, तीन उम्मीदवारों में मुकाबला। आदिल शाह नून लीग के उम्मीदवार जबकि मलिक साजिद महमूद पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अजहर महमूद आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेयर इस्लामाबाद के इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसमें से 9 उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान सीसीपीओ लाहौर पर बरहम। उमर शेख के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 माह में शहर की फजा बेहतर करने का दावेदार सीसीपीओ कहाँ है? सीसीपीओ लाहौर कहते फिरते हैं अदालतें जमानतें ले लेती हैं, ऐसे बयान तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने फेरिस्त काबीना कमेटी को असाल कर दी। जौहर टाउन डीएचए के फेस 1, 3, 5 और 8, इकबाल टाउन अस्करी 8, अस्करी 10, वलेंशिया टाउन और समनाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। अमवात 9,929 हो गई। मजीद 1,974 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,73,309 हो गई। 4,23,000 से ज्यादा मरीज सेहत याब। 39,488 मरीज दे रहे इलाज। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं, साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर कोरोना की नई किस्म की पाकिस्तान में मौजूदगी की तर्दीद कर दी। बरतानिया से आए अफराद का डाटा मकामी इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। तमाम अफराद को ट्रेस करके टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 8 करोड़ हो गई। 17,71,000 हलाकतें। अमरीका में 3,41,000, ब्राजील में 1,91,000, भारत में 1,47,000, मेक्सिको में 1,22,000, रूस में 54,000, फ्रांस में 62,000 और सऊदी अरब में 6,185 अमवात। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाह फाकान अब्बासी अमरीका रवाना हो गए। आइंदा 2 हफ्ते तक अमरीका में कयाम करेंगे। अमेरिका में मुकीम अपनी बहन और बहनोई की अयादत भी करेंगे। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में फ्रंटियर कोर की चेक पोस्ट पर मुसल्लह दहशतगर्दों का हमला। आईएसपीआर के मुताबिक हमला गुज़श्ता रात किया गया, जिसके नतीजे में 7 अहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वाले अहलकारों में सिपाही शेर जमान जमाल अब्दुल रऊफ, फकीर मोहम्मद, नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल और अब्दुल वकील शामिल। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत दुनिया के सामने आ गए, जिससे भारतीय फौज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। रवा साल जुलाई में भारतीय फौज की जानिब से 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करने की तस्दीक हो गई। वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय काबिज अफवाज जबर इस्तबदाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में खौफ फैला रही है। कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मकतूलीन को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। दुनिया भारतीय अजायम समझ चुकी है और भारत की गिरफ्त बतदरीज कमजोर होती चली जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कई घंटे बंद रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में शदीद धुंध छाई रहेगी।